हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है और उतना ही महत्व कन्या पूजन का भी है। मान्यता के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है। इस चलते नवरात्रि कन्या पूजन में नौ कन्याओं को घर में भोग प्रसाद व मिष्ठान आदि खिलाया जाता है, साथ ही पूरे मन से उपहार भी दिए जाते हैं। माना जाता है कि ये नौ कन्याएं नौ देवियों का रूप होती हैं। कन्या पूजन में कन्याओं को भोजन कराने के साथ ही उपहार भी दिया जाता है। इस वर्ष कन्या पूजन का शुभ समय अष्टमी के पूरे दिन अर्थात रात 1:23 तक माना जा रहा है, लेकिन मुख्य रूप से सुबह के समय कंचक खिलाई जाती है। कन्या पूजन में 2 से 11 साल की उम्र की कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है। उपहार में कन्याओं को वो चीज़ें दी जाती हैं जो माँ दुर्गा की प्रिय मानी जाती हैं और छोटी छोटी प्यारी कन्याओं को भी खूब भाती हैं। माँ दुर्गा का प्रिय रंग लाल माना जाता है और लाल रंग को पूजा पाठ में बेहद शुभ मानते हैं। जब कंचक बैठाई जाती है तो लाल रंग के वस्त्र या माता की चुनरी भेंट में कन्याओं को देना अच्छा मानते हैं। दक्षिणा का भी कन्या पूजन में खास स्थान है। माना जाता है कि दक्षिणा देने से स्वयं माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के साज श्रृंगार का विशेष मान्यता है। माँ दुर्गा का पूजा में 16 श्रृंगार किया जाता है। कन्या पूजन में कन्याओं को फल देना अच्छा माना जाता है। फल में केले या सेब दिए जा सकते हैं। माँ दुर्गा की पसंद का ध्यान रखते हुए कंचक में फल देने की मान्यता है।